अवैध प्रेम संबंधों के चलते आए दिन हत्या की खबर मिलती रहती है। यहाँ एक शख्स फिर अवैध प्रेम संबंधों के चलते मौत की नींद सुला दिया गया। घटना नवी मुंबई के कमोटे की है, जहां दो अज्ञात आरोपियों ने एक शख्स पर चाकू से हमला किया, उसके बाद पिस्तौल से गोली मारकर उसे मौत के घाट उतार दिया। इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। एक नजर खबर पर। जुलाई को एक शांताराम खुटा, एक स्मॉल बिजनेसमैन है, इनकी रात को हत्या हो गई थी, जिसमें 2 अज्ञात एक्यूज, उसमें फायरआर्म का यूज हुआ था और चाकू भी चलाया गया था। और इसमें कामोटे पोस्ट के तहत मर्डर का गुनाह दाखिल है। इसमें सेंट्रल यूनिट के श्री कुलकर्णी, क्राइम ब्रांच नई मुंबई, इनको एक कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन मिली, जिसके आधार पे निर्जे विलेज डोंबिवली ईस्ट ठाणे, इधर से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें है वसंत खंडागड़े और उसका एक सगा भाई है सिद्धार्थ खंडागड़े। और बाद में तहकीकात में ऐसा पता चला कि ये दोनों ने तीसरा एक आरोपी अनिल डेरे, ये पारनेर अहमदनगर का है, इसके कहने के आधार पे हत्या कर की थी। और ये हत्या की जो मोटिव है, इसमें अनिल डेरे का जो अफेयर था, वो लड़की बाद में शांताराम कुटाल जो जिस विक्टिम है उसके साथ रहने आई थी, और इसका ये जो मोटिव है इसके आधार पे उसने हत्या कर दी। अभी आरोपियों को हमने हिरासत में लिया है, 13 तारीख को उनका PCR है। जो आरोपियों का पहली पार्श्व है, उसमें एक सिद्धार्थ खंडागड़े जो है, उसके खिलाफ बॉडी ऑफेंसेस दाखिल है नई मुंबई और ठाणे में। उसको तड़ीपार भी किया गया था 2007-08 में रबाड़े पुलिस स्टेशन के तहत। और अनिल डेरे के खिलाफ एक आर्म्स एक्ट का गुना दाखिल है, 2 महीने पहले आदिआबी का है, जिसमें किसके पिस्टल एक पकड़ा गया था, जो नगर अहमदनगर पुलिस ने पकड़ा है।